गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में चैप्टर 8 का सेक्शन 3 या 8.3 चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर को बनाने के लिए जो हम लोगों को स्टडी करना है उसका नाम है पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले आपको पूरक कोण के बारे में जानना होगा कि पूरक कोण कहते किसे हैं। पूरक कोण की अगर बात की जाए तो इसकी परिभाषा होती है, जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। When the sum of two angles is 90 degree, then the angles are said to be complement of each other. For example, अगर हम लोग 30 डिग्री बोले तो 30 के ये 60 पूरक होगा, क्योंकि 30 में 60 जोड़ने पर 90 आता है। अगर 50 बोलेंगे तो 50 में 40 जोड़ने पर 90 आएगा, यानी 50 के लिए 40 पूरक है या 40 के लिए 50। उसी तरह से त्रिकोणमिति में जब पूरक कोण की हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए कुछ फार्मूला दिए गए हैं, वो साइन कॉस टैन कॉट से कॉस से 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। इनके लिए साइन का कॉस में टैन का कॉट में पूरक कोण के आधार पर फार्मूला है। तो फार्मूला लिखेंगे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। दैट मींस जो एंगल नेगेटिव में है वही यहां आता है। अगर आपको हम सवाल दें साइन 40 डिग्री आपको कॉस में लिखना है तो आप लिखिएगा साइन 40 बराबर साइन 90 माइनस 50, 40 का पूरा लिखना होगा, यानी कि 40 में क्या जोड़ देगी 90 आ जाए, तो 40 में 50 जोड़े तो 90 आएगा। अब ये आपको हो गया साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट मींस कॉस 50। अगर दे दिया जाए आपको टैन 42 डिग्री तो आप इसको लिखिएगा टैन 90 माइनस 48, क्योंकि 42 का पूरक 48 होता है, इसलिए आपको लिखना होगा 48 डिग्री। अब ये फार्मूला हो गया टैन 90 माइनस थीटा कॉट 48। तो इस तरीके से हम लोग बदलते हैं, ये आपका 6 फार्मूला है। इस 6 फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि इस फार्मूले का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। तो कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम लोगों को कोई क्वेश्चन दे रहा है कॉस 18 डिग्री बाई साइन 72 डिग्री का मान ज्ञात करें, तो कॉस को साइन में या साइन को कॉस में आप बदल दीजिए, कॉस को साइन में या साइन को कॉस में, दोनों में से किसी एक को बदलना है। दोनों को बदलेंगे तो सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों उलट करके फिर एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जब भी कोई सवाल कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो तरीका यह है कि उसको सिमिलर टर्म में लाया जाए, एक जैसा बनाया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस को साइन में बदलेंगे, और कॉस का फॉर्मूला पूरक कोण से साइन में है, लिखेंगे कॉस 90 माइनस 72, क्योंकि 18 का पूरक 72 होगा, इस 18 का पूरक हम लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर जो घटता है। अब ये फॉर्मूला हो गया कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 72, 72 72 कैंसिल एक। तो इस तरीके से आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं।
अब मामला यहाँ पर आया कि अगर कोई इस तरह का सवाल दिया जाए, टैन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18, एंगल ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो टैन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18, एंगल ए का वैल्यू निकालना है, तो आपको यहां टैन यहां कॉट दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। ये गिवन है, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, और टैन टू ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि कॉट का पूरक जो होता है वो टैन में आता है, या टैन का पूरक जो होगा वो कॉट में आएगा। ये हमारा तो हो गया, ये भी टैन 2a, ये भी टैन 2a, यानी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू आपस में क्या हो गया, बराबर। अब बराबर शो कर दीजिए, कॉट a माइनस 18 बराबर कॉट 90 माइनस 2a, कॉट कॉट खत्म हो जाएगा, a माइनस 18 बराबर 90 माइनस 2a, a की तरफ 2a आएगा, माइनस था के प्लस हो गया, 90 जाके प्लस हो जाएगा 108 डिग्री, 3a, a से 108, 36 टाइम्स में कैंसिल, यानी a का वैल्यू 36 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आसानी से एक को दूसरे में हम लोग इंटरचेंज करके बना ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको यहां बताएंगे वो आपकी किताब का सवाल नंबर 4 है। सवाल है, टैन ए बराबर कॉट बी, टू प्रूफ तो सिद्ध करें ए प्लस बी बराबर 90। ठीक है, हमको दिया गया है टैन ए बराबर कॉट बी, एक मान लिया। अब टैन ए को कॉट के टर्म में पूरक कोण के लिहाज से लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए, ये भी टैन ए, ये भी टैन ए, ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर, इक्वेशन वन बराबर इक्वेशन टू, कॉट बी बराबर कॉट 90 माइनस ए, कॉट कॉट खत्म, बी बराबर 90 माइनस ए, बी प्लस ए बराबर 90, दैट इज ए प्लस बी बराबर 90। इस तरीके से हम लोग का बन गया। सवाल नंबर 5 जो है वो आपका बिल्कुल 3 की तरह बनेगा, सवाल नंबर 4 बता दिया, 1 आपको एज एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। अब सवाल नंबर 6 के लिए कुछ सवाल को सॉल्व करना है, तो इसमें आप याद रखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि हम लोगों को फार्मूला याद हो और पूरक कोण को अच्छे से हम लोग समझें। तो सवाल नंबर 6 जो दिया गया है वो है, ट्राइंगल एबीसी में साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू लाना है। ठीक है, साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू हमको लाना है। सिंपल सी बात है, बड़े आराम से हम लोग क्या करेंगे कि एक टर्म को आगे लेके चलेंगे, उसके लिए गिवन टर्म क्या है, त्रिभुज। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180। हम लोग का गिवन में एंगल बी और एंगल सी साथ है, ए साथ नहीं है, इसलिए ए को अलग करेंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। अब दोनों ओर 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे दोनों ओर, इसलिए भाग करेंगे क्योंकि सवाल में एंगल्स नीचे 2 डिवाइड है में है, तो आ जाएगा हमको एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू इज इक्वल टू 180 बाई टू माइनस ए बाई टू, ये कट किया गया 90 माइनस ए बाई टू, बी प्लस सी बाई टू। अब आप साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए,
जो भी टर्म दो एंगल के साथ देगा उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों और साइन से गुना करने पर तभी हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन अंडर ब्रैकेट 90 माइनस ए बाई टू साइन का क्या मामला आता है कॉस के साथ, तो साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, यह हम लोगों का सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बस आपको इस बात को याद रखना था कि त्रिभुज के त्रिकोण का जोड़ 180 होता है, जिसको हम बोलते हैं त्रिभुज कोण गुणधर्म या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब मामला इस चैप्टर का सातवां क्वेश्चन आता है जो कह रहा है जो कहा जा रहा है कि आप दिए गए एंगल्स के वैल्यू को 45 से कम में लिखिए, 45 से कम में लिखना है। ये 67 है, 45 से बड़ा है, ये 75 है, ये भी 45 से बड़ा है, तो इसको हम लोग कम करने के लिए क्या करेंगे साइन 90 माइनस 67 का पूरक 23 कॉस 90 माइनस 75 का पूरक 15। अब लिखेगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी पूरक कोण के फार्मूले से बदलने पर इसके मान में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन एंगल्स क्या हो गए छोटे हो गए। दिस इज द आंसर। चैप्टर क्लोज, आप होमवर्क में बना लीजिएगा।